हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत है आपका लेक्चर नंबर पांच लेक्चर नंबर फाइव ऑफ इंडियन इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था के लेक्चर नंबर पांच में मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको लेक्चर नंबर एक से लेक्चर नंबर चार तक हमारे सभी लेक्चर्स पसंद आए होंगे और हमारी भी कोशिश है कि आपके फीडबैक के बेसिस पे हम लेक्चर्स को डिलीवर करने में और भी जितना इंप्रूवमेंट हो सकता है उनको बेटर बनाए इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रेजेंट की जा रही है ग्राफिक्स क्या है या डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरीके से हम हर लेक्चर में प्रेजेंट कर रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जाए दोस्तों आज का लेक्चर नंबर पांच जहां हमने लेक्चर नंबर चार का सेकंड पार्ट छोड़ा वहीं से शुरू होता है लेक्चर नंबर चार का जो सेकंड पार्ट रहा जिसमें हमने इंडिया में जो प्लानिंग प्रोसेस रही उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बताया आपको इंट्रोड्यूस किया और लेक्चर नंबर जो सिक्स होगा जो अगला लेक्चर होगा वो भी जो लेक्चर नंबर चार के सेकेंड पार्ट में डिस्कशन हुआ विच इज प्लानिंग प्लानिंग इन इंडिया उसी को कंटिन्यू करते हुए कंक्लूड करेगा दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मुझे लगता है प्लानिंग इन इंडिया एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिटेल फेज है जिसको आप अगर डिटेल में प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो आपकी इंडियन इकोनॉमी की जो अंडरस्टैंडिंग है समझ है उसकी फाउंडेशन वीक रह जाएगी इनफैक्ट ये प्लानिंग फेज ही रहा इंडिया का जिसकी वजह से चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड हो चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हो इनफैक्ट मैं कहूंगा आज की मॉडर्न डे इंडियन इकोनॉमी भी उन डिसीजन से उन ऑब्जर्वेशन से उन कमिटीज के डिसीजन से इनपुट से या उनकी रिकमेंडेशन से आज तक इंफ्लुएंस है दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर पांच सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए जैसा हमने लेक्चर नंबर चार में देखा लेक्चर नंबर तीन में देखा कि जो पहली नेशनल प्लानिंग स्टार्ट की गई पूरी दुनिया में कहीं भी किस कंट्री ने की दोस्तों सोवियत यूनियन और उसके बाद 1928 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला फाइव ईयर प्लान लॉन्च किया लेकिन 1928 में सोवियत यूनियन ने या यूएसएसआर ने अपना पहला फाइव ईयर प्लान तो लॉन्च किया लेकिन बाकी दुनिया को इसके बारे में नॉलेज होते होते मुझे लगता है रफली नाइनटीन तक का पीरियड लग गया और इनफैक्ट बाकी कंट्रीज को खासतौर से डेवलप्ड वर्ल्ड या फिर वेस्टर्न कंट्रीज को या एशियन कंट्रीज को इसके बारे में तब पता पता लगना शुरू हुआ जब नाइनटीन ट्वेंटी और थर्टीज में अगर आप देखें तो बहुत सारे जो ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक थे उन्होंने अपने कंट्रीज को छोड़ छोड़कर ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल होना शुरू हुआ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक इसलिए इंपॉर्टेंट रहे क्योंकि जो यूएसएसआर की पॉलिसीज थी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी इकोनॉमिक प्लानिंग रही उसका काफी हद तक इंपैक्ट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पर भी देखने को मिला तो इस वजह से जो ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक थे उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था कि यूएसएसआर की नेशनल प्लानिंग किस तरीके से चल रही है क्या फाइव ईयर प्लान है क्या स्ट्रेटेजी है सोच है नेशनल प्लानिंग के पीछे उन फाइव ईयर प्लान के पीछे और जब नाइनटीन ट्वेंटी में ये इकोनॉमिक्स ब्रिटेन और यूएस में जाके सेटल होना शुरू हुए तो वहां के इकोनॉमिस्ट को भी नेशनल प्लानिंग या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में एजुकेट करना शुरू किया जो कॉलोनियल वर्ल्ड रहा उन्होंने जब पहली बार सुना कि एक्चुअली आप नेशनल प्लानिंग को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव करने के लिए सो एवरीबॉडी वाज वेरी सरप्राइज्ड क्योंकि अगर आप देखें तो ग्रेट डिप्रेशन तक हर किसी को लगता था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी सोल्यूशन है चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वेस्टर्न डेवलप्ड वर्ल्ड हो कॉलोनियल मास्टर्स हो खासतौर से अमेरिका हो यूएसए हो सभी का यही कहना कहना था कि गवर्नमेंट्स को मार्केट से दूर रहना चाहिए गवर्नमेंट को कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करना चाहिए लेकिन जब 1928 में रशिया ने पहला अपना फाइव ईयर प्लान लॉन्च किया और नेशनल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट रशिया से ईस्टर्न यूरोप तक पहुंचा ईस्टर्न यूरोप से यूएस और यूके तक पहुंचा तो सभी ने नेशनल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत इंटरेस्ट के साथ देखना शुरू किया स्टडी करना शुरू किया दोस्तों जो पूरा डिकेड रहा नाइनटीन का अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा जब बात आ जाए इंडियन इकोनॉमी की किस तरीके से इकोनॉमिक डिसीजंस लिए गए फिर चाहे वो नेशनलिस्ट हो कैपिटलिस्ट हो सोशलिस्ट हों डेमोक्रेट्स हो या एकेडमिशियंस हों और इन सभी ने जब रशिया का एग्जाम्पल देखना शुरू किया उसकी स्पीडी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना शुरू किया कि किस तरीके से स्टेट इंटरवीन करके जो रिसोर्सेज हैं कंट्री को उनको नेशनल प्लानिंग के तहत अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्ट कर सकता है या फिर बेसिकली एलोकेट कर सकता है जिससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस और भी जल्दी अचीव की जा सके तो कहीं ना कहीं नाइनटीन थर्टीज का जो डिकेड रहा इंडियन हिस्ट्री का इकोनॉमिक इंडियन हिस्ट्री का उसमें सभी लोगों ने नेशनलिस्ट से लेके कैपिटलिस्ट से लेके सोशलिस्ट से लेके डेमोक्रेट से लेके एकेडमिशियस सभी ने इंडियन इकोनॉमी में या इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया इंडियन इंडिपेंडेंट की अगर हम बात देख लें तो जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तो जो नाइनटीन और नाइनटीन में जो माहौल बन गया कि नेशनल प्लानिंग जरूरी है किसी भी कंट्री की फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसी का रिजल्ट रहा कि जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया 1947 में उसके बाद कॉशियसली हमारे जो फाउंडर लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया की जो इकोनॉमी होगी वो एक प्लैंड इकोनॉमी होगी और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो इट इज नथिंग बट ए हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग लेक्चर नंबर फाइव और लेक्चर नंबर सिक्स मैं इस हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को हम डिटेल में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1991 और 1992 बिकॉज ऑफ ऑफ बैलेंस पेमेंट्स क्राइसिस तो उसके बाद कई लोगों को लगने लगा कि कई ऐसा तो नहीं कि जो अभी तक हम प्लान इकोनॉमी के तहत चल रहे थे अब हम इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से वापस फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव करेंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ रिफॉर्म्स कमेंस हुए उसके बाद कुछ डायरेक्शन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंडियन इकोनॉमी में लाए गए लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था इंडिया का कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होगी मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ प्लैंड इकोनॉमी होगी और उसका पूरा उसका पूरा ओनर्स जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन रही जिसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की प्लैंड इकोनॉमी में नाम आप सबको पता होगा प्लानिंग कमीशन उसने वही रोल प्ले करते रहे जब तक कि प्लानिंग कमीशन को टू में रिप्लेस नहीं किया गया नीति आयोग से तो चलिए अब शुरुआत की जाए सबसे पहले बैकग्राउंड समझने की कि, कि किस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ कैसे वो थॉट प्रोसेस हमारे लीडर्स के माइंड में हमारी इंडस्ट्रियल हाउसेस के माइंड में हमारी कैपिटलिस्ट क्लास के माइंड में आया क्या क्या वो डिफरेंट प्लान रहे होंगे और उन प्लान के आउटकम ने डिसीजन ने रेकमेंडेशन ने प्री इंडिपेंडेंट इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया को कैसे इंफ्लुएंस किया होगा अगर नाइनटीन के डिकेट्स को हम देखें तो ये जो आइडिया था पूरा प्लानिंग का ये चाहे हमारे इंटेलेक्चुअल स्पेयर को आप देख लें चाहे पॉलिटिकल स्पेयर को देख लें सभी डिस्कशन में इंडियन इकोनॉमी प्लैंड इकोनॉमी होनी चाहिए इस पे एक कंसेंसस बहुत पहले से बन चुका था बहुत सारे प्रपोजल्स जिन्होंने क्लियरली कहा कि इंडिया को इमीजिएटली एक प्लान इकोनॉमी की तरफ मूव करना चाहिए हालांकि उस वक्त की जो कॉलोनियल मास्टर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको इन प्रपोजल्स में इन रिकमेंडेशन में या अगर सही मायने में माने तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो बहुत सारे प्रपोजल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजे गए उनके सामने रखे गए लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया लेकिन अच्छी बात यह हुई कि नाइनटीन के डिकेड में जो यह वर्क हुआ समझने का सभी लोगों के एक साथ आने का डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में एक कंसेंसस बनने का कि इंडिया की इकोनॉमी प्लैंड इकोनॉमी होनी चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद तो इंडिपेंडेंस के बाद ये डिसीजन लेने कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे जब बात आ जाए हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर की बड़ा आसान हो गया सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा जो प्लान रहा प्री इंडिपेंडेंस टाइम में आजादी से पहले वो रहा द विश्वेश्वरैया प्लान पहला ब्लू अगर आप देखें इंडियन प्लानिंग का तो ये उस वक्त के सिविल इंजीनियर थे एक्स दीवान थे मैसूर स्टेट के एम विश्वेश्वरैया इन्होंने अपनी बुक जिसका नाम था द प्लान इकोनॉमी द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया इसको पब्लिश किया 1934 और ये जो बुक इनकी रही द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन्होंने इनके जो प्रपोजल्स थे इसके ब्रॉड कॉन्ट्यूव को बेसिकली डिफाइन किया उनके आइडिया के हिसाब से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी स्टेट को प्लानिंग में एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए साथ ही साथ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं पर्टिकुलरली इंडिया उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन पे मेजर फोकस देना चाहिए और इनफैक्ट जो लेबर है उसको एग्रीकल्चर से अब मूव करके इंडस्ट्रीज की तरफ एक टारगेटेड मूव के तहत इंडिया को प्लान करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए विश्वेश्वर या प्लान में जो सजेशंस थे उनको अगर हम अडॉप्ट कर पाएंगे तो अगले एक नेशनल इनकम है उसको रफली डबल कर पाना पॉसिबल हो पाएगा ऑब्वियस सी बात है जब या प्लान को प्रेजेंट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो बाकी प्लान की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं कि इंडिया या इंडिया की इकोनॉमी या इंडिया के लोग किसी तरह की प्रोग्रेस को विटनेस करें लेकिन ये जो पहला प्लान रहा 1934 जो कि प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक के थ्रू आउटले किया गया बा एम इसने बाकी जो हमारे एजुकेटेड सिटीजन थे कंट्री उनके मन में एक सीट प्लांट किया उनके मन में एक बीज बोया कि इस तरीके से इंडिया भी अपनी इकोनॉमी को प्लान कर सकता है और जब भी मौका मिले अगर इंडिपेंडेंस से पहले तो पहले कोशिश की जाए नहीं इंडिपेंडेंस के बाद जब देश की बागडोर हमारे हाथ में आ जाए तब हमें प्लान इकोनॉमी की तरफ मूव करना होगा तो पहला इंपॉर्टेंट प्लान बिफोर इंडिपेंडेंस सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लान जिसको कहा जाता है द फिकी प्रपोजल 1934 में ही जो सीरियस जरूरत महसूस हुई नेशनल प्लानिंग की इसको भी रेकमेंड किया गया फिकी फिकी का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन कैपिटलिस्ट की उस वक्त भी रही आज भी बहुत ही इंफ्लुएंशियल कॉपरेट हाउस या बेसिकली इंडस्ट्रियल बॉडी है दोस्तों इसके जो प्रेसिडेंट रहे एनआर सरकार उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि द डेज ऑफ अनडाइल्यूटेड लेजिस्फेयर व गॉन फॉर एवर एंड फॉर ए बैकवर्ड कंट्री लाइक इंडिया ए कॉम्प्रीहेंसिव प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवरिंग द होल गैम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज वॉज इन नेसेसिटी इसका मतलब कि वो दिन अब चले गए जब एकदम फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसमें स्टेट का कोई रोल ना हो वो अब पॉसिबल नहीं है एक कंट्री जैसे कि इंडिया जो कि बहुत बैकवर्ड है इसको एक्चुअली जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जिसमें स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव रोल प्ले करे इसके अलावा कैपिटल क्लास उसके अलावा सभी ने कहा कि क्यों ना एक हाई पावर्ड नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाई जाए जो सभी के थॉट्स को आइडियाज को वर्क को व्यूज को कोऑर्डिनेट करे और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बेसिकली लेआउट कर पाए ताकि इंडिया हमारे पास से एक ब्रेक ले और अपने फुल पोटेंशियल को अब रियलाइज करना शुरू करे और अगर हम बात कर लें लेट नाइनटीन सेंचुरी की तो उस वक्त के जो इकोनॉमिस्ट थे या नेशनलिस्ट थे फॉर एग्जाम्पल एम जी राडे एंड दादा भाई नेहरू जी इन्होंने भी बहुत क्लियरली ये स्टेट करना शुरू किया कि स्टेट को इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा और जो मार्केट मेगनिज्म का कॉन्सेप्ट था लेजिस्फेयर का कॉन्सेप्ट था क्या फ्री हैंड छोड़ दीजिए मार्केट को अपने आप बैलेंस कर लेंगे डिमांड एंड सप्लाई उस पर सब लोगों को डाउट होने लगा कि जब तक स्टेट एक एक्टिव रोल प्ले नहीं करेगा इकोनॉमी में पर्टिकुलरली बैकवर्ड कंट्री लाइक इंडिया के लिए तो शायद ना ही हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस ना ही हम सोशल प्रोग्रेस और शायद ना ही हम पॉलिटिकल प्रोग्रेस अचीव कर पाएंगे ये जो थिंकिंग रही हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेस की हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की हमारी नेशनलिस्ट की इसको एक बड़ा बूस्ट मिला के आइडियाज से क्योंकि जब ग्रेट डिप्रेशन आया नाइनटीन तो मुझे लगता है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ही नहीं इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज थे जो अभी तक फ्री मार्केट इकोनॉमी के वोकल एडवोकेट्स थे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन फॉर एग्जाम्पल फ्रांस फॉर एग्जाम्पल यूएस फॉर एग्जाम्पल जर्मनी उन्होंने भी और जेम केन्स ने कहा कि एक्चुअली अगर इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो फ्री मार्केट इकोनॉमी जो फेल होती हुई दिखाई देती है 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में उससे बाहर निकलने के लिए स्टेट्स को अब एक वेलफेयर स्टेट का रोल प्ले करना शुरू करना होगा और उस वजह से सभी कंट्रीज धीरे धीरे इस चीज के लिए वार्म अप होने लगे कि ये जो फ्री फ्लोइंग लेजिस्फेयर फ्री मार्केट इकोनॉमी है कॉन्सेप्ट है ये सस्टेनेबल नहीं है स्टेट्स को एक्टिव होना होगा रोल प्ले करना होगा और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसका हो सकता है कि जो सोवियत या यूएसएसआर ने एक्सपेरिमेंट किया है नेशनल प्लानिंग उसको अपने अपने कंट्रीज में लागू करना इंप्लीमेंट करना तो कुल मिलाकर अगर आप पूरी बात को समझने की कोशिश करें तो चाहे वो इंडियन कैपिटल क्लास्ट हो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास हो चाहे वो इंडियन नेशनलिस्ट क्लास्ट हो इन सभी को कहीं ना कहीं इस चीज में विश्वास था कि इंडिया की स्टेट मतलब गवर्नमेंट को नेशनल प्लानिंग को अडॉप्ट करना ही चाहिए और जब यह बात जो फिकी का प्रपोजल रहा 1934 उनके जो कैपिटलिस्ट थे इंडियन कैपिटलिस्ट थे उन्होंने भी जब इस बात को कहा तो मुझे लगता है चाहे वो नेशनलिस्ट हो चाहे कैपिटलिस्ट हो सबके मन में नेशनल प्लानिंग को लेकर एक अनवी अन इवीवोकल कंसेंसस बन ही गया जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्लान रहा पहला विश्वेश्वरैया प्लान दूसरा फिकी प्रपोजल एंड तीसरा द कांग्रेस प्लान कांग्रेस प्लान में अगर आप मोटा मोटा कांग्रेस की थीम देख लें तो जो गांधी थे उन्होंने इन जनरल पार्टी कमिट ना कर दे सेंट्रलाइज स्टेट प्लानिंग इनकी वो राय थी जिसमें फादर ऑफ द नेशन श्री महात्मा गांधी जी का भी यही मानना था कि एक्चुअली स्टेट को सेंट्रलाइज प्लानिंग के लिए नहीं जाना चाहिए लेकिन लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री सुभाष चंद्र बोस और उनके अंडर स्टैब्लिश की गई 1938 में द नेशनल प्लानिंग कमिटी जिसको एनपीसी भी कहा जाता है और इस नेशनल प्लानिंग कमिटी 1938 में जो स्टैब्लिश हुई कौन इसके चेयरमैन होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनको टास्क दिया गया कि आप कॉन्क्रीट प्रोग्राम्स बेसिकली स्टैब्लिश करिए कि किस तरीके से जो हमारी इकोनॉमी हमारी कंट्री के मेजर एरियाज हैं उनको कवर करते हुए इंडिया एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान किस तरीके से स्टैब्लिश कर पाएगा तो जो नेशनल प्लानिंग कमिटी 1938 में स्टैब्लिश हुई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जे एल नेहरू ऑन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस इनह एक कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ द कांग्रेस रूट स्टेट्स के तहत एम विश्वेश्वरैया जे आर डी टाटा जी डी बिरला लाला श्री राम और बहुत सारे अकेडमिशियंस टेक्नोक्रेट्स प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट्स ट्रेड यूनियनिस्ट सोशलिस्ट कम्युनिस्ट एक्सेट्रा इन सबको भी इन्वाइट किया कि आप भी आइए अपनी अपनी बात कहिए अपने अपने सजेशंस दीजिए और ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी 1938 15 मेंबर्स टोटल इसमें रहे और इसकी 29 सब कमिटीज रही और 29 सब कमिटीज के साथ साथ इसमें टोटल रफली थ्री फिफ्टी मेंबर्स और इनका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट रहा पूरी एक्सरसाइज का वो रफली ट्वेंटी कैप्चर किया गया जो कमिटीज का वर्क था वो एक्चुअली थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया जब बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया और उसके बाद फिर क्विट इंडिया मोवमेंट लॉन्च किया गया काफी हमारे जो लीडर्स थे इंक्लूडिंग जो चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको अरेस्ट कर लिया गया तो नाइनटीन और फोर्टी के बीच में कमिटी बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई लेकिन 1945 के बाद फिर से इन्होंने अपने काम को संभाला और जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई इन 29 डिफरेंट वॉल्यूम्स ये 1949 मतलब इंडिपेंडेंस के बाद बेसिकली पब्लिश हो पाए लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी रही नाइनटीन में स्टैब्लिश हुई इसने जो काम किया इसने जो 29 वॉल्यूम्स में अपनी रिपोर्ट सबमिट की इसकी जो 29 डिफरेंट सब कमिटीज थी इसके जो 350 मेंबर्स थे और 15 मेंबर एनपीसी थी इनके वर्क को जब 1949 में पढ़ा गया तो उसमें से जो मेजर मेजर रिकमेंडेशन रही उनको इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिपेंडेंट होने के बाद इमीजिएटली अडॉप्ट करना शुरू किया ये जो बहुत सारी वैल्यूबल रिपोर्ट्स रही इनको पब्लिश किया गया चाहे वो मेन कमेटी की रिपोर्ट हो चाहे सब कमिटीज की रिपोर्ट हो और अगर आप क्लियरली देखें कि जो नेशनल प्लानिंग कमिटी रही 1938 की इसकी जो रियल इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस ये रही कि इस पूरी एक्सरसाइज ने क्योंकि इसमें हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स इसमें हमारे कैपिटलिस्ट इसमें हमारे इसमें हमारे टेक टेक्नोक्रेट सबका इन्वॉल्वमेंट रहा और बहुत इंटेंस वाइड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के साथ इस एक्सरसाइज को किया गया तो इसने पूरे कंट्री में लगभग हर तबके में वो इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया गया कि, कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग इंडिया में होनी चाहिए किस तरीके से या प्लान करके हम इंडियंस की लाइफ में उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में किस तरीके से रैपिड इंप्रूवमेंट अचीव कर सकते हैं कौन कौन से फंडामेंटल चेंजेस हमको इंकॉपरेट करने चाहिए और कौन कौन से सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में हमको रिफॉर्म्स लाने चाहिए कई सारे जो डेवलपमेंट्स रहे जो 1938 की एनपीसी या नेशनल प्लानिंग कमेटी स्टेब्लिश हुई उनका एक ब्रीफ अप डिस्कशन हो जाए दोस्तों जो पहला एनपीसी के बाद कमिटी जिसके बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाए वो है पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी ये जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी रही ये 1941 जून में एस्टेब्लिश की गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बेसिकली फॉर्म किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब हमारी गवर्नमेंट नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट और इसका पर्पज था कि जब पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी की जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा टू उसके बाद इंडिया को किस तरीके से गवर्न किया जाए कैसे इंडिया की इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए उसके बारे में रिकमेंडेशन दें सेकेंड कमिटी रही एनपीसी के बाद चेयरमैन रहे रामास्वामी सेटअप किया गया 1941 एज ए थिंक टैंक कि जो जून 1941 में पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी बनाई गई उसको ये एडवाइस दे रेकमेंडेशन दे उसकी एक थिंक टैंक की तरह ये बेसिकली एक्ट करे इन्होंने कई सारे प्लान कई सारे सजेशंस इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में दिए लेकिन उनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बहुत नहीं रहा इनफैक्ट बहुत सारे जो रिकमेंडेशन रहे वो कोलोनियल एकेडमिक बायस से भरे हुए थे इनफैक्ट इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बहुत सीरियसली नहीं लिया दोस्तों जो तीसरी इंपॉर्टेंट कमिटी रही वो रही प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत सारे डिले होने के बाद 1944 में फाइनली गवर्नमेंट ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को क्रिएट किया और वो क्रिएट किया गया एज ए सेपरेट मेंबर वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके रूप में और इसका पर्पस था कि ये ऑर्गेनाइज करेगी कोऑर्डिनेट करेगी जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग है कंट्री में उसको अर्धश्री दलाल जो कि बॉम्बे प्लान के कंट्रोलर थे इनको एक एक्टिव मेंबर की तरह इसमें अपॉइंट किया गया 20 से भी ज्यादा पैनल एक्सपर्ट्स रहे लेकिन बहुत ज्यादा इससे कुछ निकलकर नहीं आया और फाइनली जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया 1944 में इसको गवर्नमेंट ने बिना किसी मेजर इंपैक्ट के 1946 में अबॉलिश कर दिया जो फोर्थ कमिटी में कहूंगा या बोर्ड कहूंगा वो रहा एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड इसको स्टैब्लिश किया गया अक्टूबर नाइनटीन स्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और इस कमेटी को एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड कहा गया इसका पर्पस था कि जो भी प्लानिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने की है और जो वर्क रहा नेशनल प्लानिंग कमेटी या उसके अलावा बाकी जो प्लान है प्रपोजल्स हैं बाकी कमिटीज ने जो रेकमेंडेशन दी हैं उन सबको इकट्ठा करे प्रायरिटाइज करे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फाइनल अपनी रेकमेंडेशन दे इंटरेस्टिंग बात देखिए किसने स्टैब्लिश किया एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड 1946 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलोनियल मास्टर्स ने और इस बोर्ड ने बड़ी मेटिकुलसली चाहे वो नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 की हो उनका वर्क हो उन सबको स्टडी किया उसके अलावा बाकी बेसिकली जो कमीशन रही बोर्ड्स रहे कमिटीज रही डिपार्टमेंट्स रही रेकमेंडेशन रही, रही उन सबको स्टडी करने के बाद ये जो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड था 1946 जो कि ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किया था उन्होंने भी यही रेकमेंड किया कि इंडिया को जरूरत है एक सिंगल कॉम्पैक्ट अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो कैबिनेट को और उसका अटेंशन यह हो कि जो इंडिया के जितने भी डेवलपमेंटल एरियाज हैं उस पर फुल टाइम वो कॉन्सेंट्रेट करें इसका मतलब अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो इस बोर्ड ने भी यही रेकमेंड किया कि इंडिया को एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए एक स्ट्रॉग ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो हाइएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप को रिपोर्ट करे और एक प्लान्ड तरीके से इंडियन इकोनॉमी को अप्रोच करना शुरू करे जब बोर्ड ने एडवाइस किया तो एक्चुअली जो नेशनल प्लानिंग कमीशन नेशनल प्लानिंग कमिटी 1934 और फिक्की का जो प्लान रहा 1934, दोनों की भी वही रिकमेंडेशन थी तो अल्टीमेटली उन दोनों की जो रिकमेंडेशन रही कि पूरे डेवलपमेंट प्लानिंग होलिस्टिक प्लानिंग के लिए एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो जो पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बर्ड्स आई से देखे और एलोकेट करे डिफरेंट डिफरेंट नेशनल रिसोर्सेस को सो so, 1950s में अगर हम देखें तो ये जो 1930s का वर्क रहा चाहे नेशनल प्लानिंग कमेटी हो 1938 की फिकी की रिकमेंडेशन हो उसके अलावा जो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड है इसकी फाइनल रिकमेंडेशन नाइनटीन में जो स्टैब्लिश किया गया इन सभी की सोच वर्क कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का ही नतीजा है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 1950 में हमने एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जो पूरे देश की प्लानिंग प्रोसेस को सिंगल हैंडेडली कोऑर्डिनेट कर सके इन कोऑर्डिनेशन विथ सेंटर इन कोऑर्डिनेशन विथ स्टेट्स इन कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और क्या नाम होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का द प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश किया 1950 में तो सोच सकते हैं 1930s का वर्क उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो शायद इतना उसको नहीं किया लेकिन इस वर्क ने जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली बहुत मेजरली इंफ्लुएंस किया हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट डिसीजन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इकोनॉमिक कॉन्टूब्स को जब बोर्ड ने जनवरी 1947 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी की रिकमेंडेशन दी इस प्लानिंग प्रोसेस की रिकमेंडेशन इस सेंट्रलाइज अथॉरिटी अथॉरिटी की रिकमेंडेशन जैसा हमने कहा बहुत मेजर इंपैक्ट रहा है इनका इंडिपेंडेंट इंडिया पे और इस बोर्ड की एडवाइज नेशनल प्लानिंग कमेटी के वर्क विश्वेश्वर अय्या प्लान फिक्की का बेसिकली प्रपोजल इनका ही इंफ्लुएंस रहा कि इंडिया ने डिसाइड किया इंडिपेंडेंस के बाद कि हम एक यूनिफाइंग नेचर देंगे पूरे डेवलपमेंट प्लानिंग को मतलब एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन एक यूनिफाइड तरीके से पूरे कंट्री के प्लान को देखेगा कि कौन से एरियाज बैकवर्ड हैं कौन से एरिया से रिसोर्स हम मोबिलाइज कर सकते हैं कौन से एरियास किस रिसोर्स में अच्छे हैं कौन से एरियाज को इंपोर्ट्स की जरूरत है किस एरिया को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है किस एरिया को स्किल सपोर्ट की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की जरूरत है एटसेट्रा 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 लेकिन इनका एक अनइंटेंडेड इंटेंडेड भी रहा एक साइड इफेक्ट भी रहा और वो साइड इफेक्ट ये रहा कि क्योंकि सभी ने रेकमेंड किया एक अथॉरिटेटिव सेंट्रलाइज या फिर यूनिफाइंग नेचर ऑफ प्लानिंग जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए हमारे माइंड में एक सेंट्रलाइज प्लानिंग की खाका या आउटलाइन एनग्रेन कर गई और इस वजह से कई लोगों का यह भी कहना है कि जो सीरियस टेंडेंसी रही ओवर सेंट्रलाइजेशन की, की बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज प्लानिंग हो गई स्टेट्स को शायद हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी रीजन को हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी मिनिस्ट्रीज को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी कि लोकल कंडीशन के हिसाब से वो अपने खुद के डिसीजन ले सके शायद इसको एक इसका साइड इफेक्ट कहा जा सकता है तो जो पोलिटिकल लीडरशिप थी नाइनटीन से ही बहुत कॉन्शियस थी कि प्लानिंग एक्चुअली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए लेकिन 1930s और बोर्ड की रिकमेंडेशन के बाद जब प्लानिंग कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1950 में तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की बजाय थोड़ा सा ओवर सेंट्रलाइज प्लानिंग की तरफ इंडिया मूव करने लग गया अगला इंपॉर्टेंट प्लान प्लान द बॉम्बे जो बॉम्बे प्लान था जिसका एक्चुअल बेसिकली नाम था ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया और ये प्रिपेयर किया था इंडिया के जो लीडिंग कैपिटलिस्ट थे उन्होंने मिलकर इसमें जो आठ बड़े वेल रिनाउम्ड कैपिटलिस्ट थे वो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जे आर डी टाटा जी डी बिरला लाला श्रीराम, कस्तूरबाई लाल भाई ए डी श्रॉफ अर्धेश्वर दलाल एंड जॉन मथाई पब्लिश का हुआ ये प्लान बॉम्बे प्लान 1944-45 में और ये जो आठ एट मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट थे इसमें से पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एक्चुअली नेशनल प्लानिंग जो कमेटी बनी थी 1938 के उसके भी मेंबर हुआ करते थे इसके अलावा जीआरडी टाटा जीडी डी बिरला और लाला श्री राम ये जो सब कमिटीज थी नेशनल प्लानिंग कमिटी की कितनी सब कमिटीज थी 29। उनके पार्ट हुआ करते थे तो क्लियरली देर वॉज ए कनेक्ट नेशनल प्लानिंग कमिटी ऑफ 1938 और जो 1944-45 का बॉम्बे प्लान था कम से कम आठ में से तीन मेंबर्स दोनों में कॉमन हुआ करते थे सो तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी रिकमेंडेशन जो नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 की रही कहीं ना कहीं बॉम्बे प्लान को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया जो एनपीसी रहा बॉम्बे प्लान क्लब रहा इसमें कुछ क्लियर कट अग्रीमेंट्स हो पाए दोनों प्लान के बीच में और इन क्लियर कट अग्रीमेंट्स ने जो इंडिया की इकोनॉमी रही इंडिपेंडेंस के बाद उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू किया अब आप सभी सोच रहे होंगे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही लेकिन 1938 से जो जर्नी रही हमारी नेशनल प्लानिंग कमेटी उसके बाद फिक्की प्रपोजल उसके बाद कांग्रेस प्लान उसके बाद बॉम्बे प्लान बीच में कई सारे बोर्ड्स फाइनल मेजर अग्रीमेंट्स हम क्या कह सकते हैं पहला अग्रीमेंट रहा कि जो बेसिक अग्रीमेंट है एनपीसी और बॉम्बे प्लान के बीच में कि अग्रेरियन रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है जितने भी हमारे इंटरमीडियरीज हैं बिचौली हैं जमींदारी है इसको खत्म किया जाना चाहिए मिनिमम वेजेस को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए और एक मिनिमम या फेयर प्राइस हमको इंश्योर करनी होगी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जिसको आप एमएसपी भी कह सकते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोऑपरेटिव को प्रमोट करना चाहिए क्रेडिट और मार्केटिंग सपोर्ट भी हमको अपने फार्मर्स को देना चाहिए तो एग्रेरियन रीस्ट्रक्चरिंग पहला एग्रीमेंट रहा एनपीसी और बॉम्बे प्लान के बीच में इन दोनों प्लान के बीच में जो सेकेंड अग्रीमेंट रहा हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करना चाहिए दोनों ही प्लान ने कहा कि हमें कैपिटल गुड्स और बेसिक इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए इनफैक्ट बॉम्बे प्लान ने तो एलोकेशन भी रेकमेंड किया कि जो हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं और बेसिक इंडस्ट्रीज कितनी हैं? पहले छह थी बाद में दो और एड करके टोटल आठ बेसिक इंडस्ट्रीज हो गई कि हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज को कम से कम हमारे बजट आउटले का 35 परसेंट एलोकेशन होना ही चाहिए उसके अलावा एनपीसी और बॉम्बे प्लान दोनों ने सोवियत प्लान से कई सारी चीजों को लेते हुए दोनों ने फेवर किया कि हमें साइमल्टेनियस डेवलपमेंट करना होगा अपनी एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज उनको थोड़ा सा बर्नर पर डालना होगा मतलब पहले हैवी कैपिटल गुड्स पर फोकस कर लें बेसिक इंडस्ट्रीज पे फोकस कर लें ले, और जो बचे कुछ रिसोर्सेज हैं उसको ही हम जो एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स हैं तेल, साबुन पानी टीवी फ्रिज एसी एक्सेट्रा पे ध्यान दिया जाए और ये सारी हमने बेसिकली चीजें ली बोरो की सीखी सोवियत प्लानिंग से दोनों ही प्लान ने इस बात पे भी अग्री किया कि जो हमारी मीडियम स्केल स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं इनको प्रमोट किया जाए क्योंकि इनके थ्रू ज्यादा एंप्लॉयमेंट साथ ही साथ कम कैपिटल उसके अलावा जो प्लांट और मशीनरीज हैं उनका भी हमें बाहर से बहुत इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा इस वजह से स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए जो पांचवा एग्रीमेंट रहा बॉम्बे प्लान एनपीसी के बीच में दोनों ने कहा कि जो स्टेट है जो गवर्नमेंट है उसको एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए पूरी इकोनॉमी में और वो आप कैसे कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू कंट्रोलिंग के थ्रू ओवरसाइट के थ्रू चाहे वो ट्रेड हो इंडस्ट्री हो बैंकिंग हो या फिर स्टेट ओनरशिप हो यह जो स्टेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है यह बाद में कन्वर्ट हुआ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ मतलब बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हो सकता है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स जैसा हमने लेक्चर नंबर तीन और चार में डिस्कस किया आपके साथ जिसमें हो सकता है कि प्राइवेट प्लेयर्स या तो इंटरेस्टेड नहीं हो या भी केपेबल नहीं हो तो ऐसे सेक्टर्स में गवर्नमेंट को ओनरशिप लेनी चाहिए उसके अलावा हो सकता है डायरेक्ट और एक्सटेंसिव कंट्रोल भी आपको लेना पड़े जब तक कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इतना केपेबल ना हो जाए जो छठा एग्रीमेंट रहा वो रहा कि हमें लार्ज स्केल मेजर्स लेने होंगे सोशल वेलफेयर्स के जैसे कि राइट टू वर्क राइट टू फुल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ऑफ ए मिनिमम वेज ग्रेटर स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग वाटर सैनिटेशन पे फ्री एजुकेशन पे सोशल इंश्योरेंस पे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को आप कवर कर सकें इसके अलावा सिकनेस या हेल्थ केयर पे इसके अलावा यूटिलिटी सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो ट्रांसपोर्टेशन हो इनको लो कॉस्ट और सब्सिडीज पे आप अपने कॉमन सिटीजन को कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे इन वेलफेयर मेजर्स पे भी दोनों प्लान में अग्रीमेंट रहा इसके अलावा दोनों प्लान का अग्रीमेंट रहा प्लानिंग पे कि प्लानिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो हमारे सोशल इनक्वालिटीज हैं जो हमारे इकोनॉमिक इनक्वालिटीज हैं कि कोई रीजन ज्यादा डेवलप्ड है कोई रीजन पीछे रह गया है कुछ सेक्शंस ऑफ हमारे कॉमन सिटीजन ज्यादा इलीट हैं या वेल टू डू हैं और लार्ज पॉपुलेशन हमारी बहुत पीछे रह गई है सोशली इकोनॉमिकली पोलिटिकली प्लानिंग के थ्रू काफी इनक्वालिटी को एड्रेस किया जा सकता है थ्रू मेजर्स लाइक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो कि जिसकी इनकम ज्यादा हो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगे जिसकी इनकम कम हो उसके ऊपर कम टैक्स लगे उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को आप कैसे प्रिवेंट करेंगे मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गिने चुने लोगों के हाथ में ही सारी वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो जाए इकट्ठी हो जाए इनइक्वालिटी अनडिजायरेबल समझी गई और कोशिश यही की गई कि इसको इंडिया से हटा दिया जाए निकाल दिया जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लान रहा वो रहा गांधीयन प्लान अच्छा गांधीयन प्लान से क्या आपके माइंड में आता है किस तरह की चीज प्रमोट की गई होगी किसको अपोज किया गया होगा अगर गांधीयन इकोनॉमिक थिंकिंग आप देखें और श्रीमद नारायण अग्रवाल उन्होंने फॉर्मुलेट किया गांधीयन प्लान नाइनटीन इसका जो मेन फोकस रहा वो रहा एग्रीकल्चर पर इनफैक्ट इन्होंने यह भी कहा कि अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है तो बेसिक इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज के बजाय आपको कॉटेज या विलेज लेवल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना होगा एनपीसी और बॉम्बे प्लान ने क्या कहा कि आपको हैवी इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्रीज कोर इंडस्ट्रीज को पहले प्रमोट करना होगा तो एक मेजर डिफरेंस रहा गांधीयन प्लान वर्सेस एनपीसी और बॉम्बे प्लान दूसरा गांधीयन प्लान ने कहा कि हमें डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा इंडिया में जिसका मेन फोकस होना चाहिए सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस मतलब हमें डिसेंट्रलाइज तरीके से प्लानिंग करनी होगी स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने होंगे और हमारे जो विलेजेस हैं वो सेल्फ सफिशियंट हों उन्होंने अपनी बेसिक नीड्स के लिए बाहर कहीं नहीं जाना पड़े सिटीज की तरफ मूव नहीं होना पड़े जो नोटेड गांधी थे इन्होंने जो एनपीसी के प्लान थे कि सेंट्रलाइज प्लानिंग हो स्ट्रॉ अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो बेसिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए एनपीसी और बॉम्बे प्लान की इस बात को डिस्कार्ड कर दिया अपोज किया इश्यूज जैसे कि सेंट्रलाइज प्लानिंग हो स्टेट का डोमिनेंट रोल हो इकोनॉमी में या इंडस्ट्राइजेशन पे फोकस हो इसपे गांधी प्लान अग्री नहीं हो पाए गांधी जी के हिसाब से जो मशीनरी है कमर्शलाइजेशन है या सेंट्रलाइज स्टेट पावर है ये कर्स है मॉडर्न सिविलाइजेशन के जो उनके हिसाब से इंडिया पे किसने थोपा इन सब चीजों को यूरोपियन कोलोनियल मास्टर्स ने गांधी जी के हिसाब से जो इंडस्ट्रियलिज्म है वो अपने आप में एक रूट कॉज है इंडियन पॉवर्टी का और उनकी बात अपने आप में उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सही भी थी क्योंकि जिस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन ियल मास्टर्स ने ब्रिटिश ने हमें दिया जिसका सिर्फ एक ही पर्पज था कि किस तरीके से हमारे यहां से रॉ मटेरियल को ब्रिटेन ले जाए और वहां से महंगे दाम के प्रोसेस गुड्स को जबरदस्ती इंडियंस को बेचा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को ड्रेन किया जा सके इंडिया से तो उस सारी चीज को देखे गांधी जी के मन में कहीं ना कहीं इस पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के अगेंस्ट एक व्यू क्रिएट हो चुका था 1940s तक ये जो टकरार या कंफ्लिक्ट वाली स्थिति है वो बनी रही इनफैक्ट कांग्रेस खुद ने भी जो गांधी जी का ये कॉन्सेप्ट रहा कि मास मोबिलाइजेशन हो कोलोनियन रूल के हिसाब से और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कांग्रेस करती रही लेकिन फाइनली एनपीसी जब बनी 1938 में और उस वक्त की आईएनसी प्रेसिडेंट श्री सुभाष चंद्र बोस के इनिशिएटिव पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप पे फाइनली कांग्रेस ने इस गांधीयन थॉट ऑफ डेवलपमेंट से एक ब्रेक लिया और कांग्रेस ने एक डिफरेंट व्यू पॉइंट अपना आर्टिकुलेट किया कि जो अभी तक हम अपोज कर रहे थे कि सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं होनी चाहिए या स्टेट का रोल नहीं होना चाहिए इंडस्ट्राइजेशन नहीं होना चाहिए सिर्फ एग्रीकल्चर पर फोकस होना चाहिए कहीं ना कहीं एनपीसी की फाइंडिंग्स उसके अगेंस्ट हैं डिफरेंट हैं खिलाफ हैं जो पहला सेशन रहा एनपीसी का इसमें जेएम कुमारप्पा जो कि एक्चुअली एक गांधीयन थे इस पूरी 15 मेंबर एनपीसी में अकेले उन्होंने उसकी मीटिंग तक को नहीं होने दिया उन्होंने एनपीसी की अथॉरिटी को चैलेंज किया कि आपको किसने अथॉरिटी दे दी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या नहीं हो एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए या नहीं किया जाए या सेंट्रलाइज प्लानिंग हो या नहीं हो स्टेट का रोल हो या नहीं हो इस इसपे आप डिस्कशन ही कैसे कर सकते हैं लेकिन फाइनली आई थिंक गुड सेंस प्रवेल्ड और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पूरी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में और क्लियरली एनपीसी के रेकमेंडेशंस के बाद ये सबको क्लियर हो गया कि एनपीसी के जो ज्यादातर मेंबर्स थे उनके हिसाब से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना बेसिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना प्लैंड इकोनॉमी को डेवलप करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी और यह कांग्रेस का नया व्यू था जब तक कि यह नई थॉट प्रोसेस जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनके अगेंस्ट वर्क करना शुरू ना कर दें दोनों इन पैरेलल दोनों सिनर्जी सिनर्जाइज तरीके से को कर सकते हैं दोस्तों तो यह जो लॉन्ग ड्रॉन आइडियोलॉजिकल इंपास था इसको फाइनली एनपीसी ने तोड़ने का काम किया अब एक डिस्कशन हो जाए बहुत पॉपुलर प्लान पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लान पे जिसका इंफ्लुएंस हमें बहुत आज मॉडर्न डे इंडियन इकोनॉमी में भी दिखाई देता है जिसका नाम है द पीपल्स प्लान पीपल्स प्लान नाइनटीन में फॉर्मुलेट किया गया उस वक्त के जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट लीडर थे एम एन रॉय द्वारा जो कि चेयरमैन थे पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमिटी ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन ये जो प्लान था ये बेसिकली बेस्ड था मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और इनका जो मेन एडवोकेसी थी कि एक्चुअली हमें लोगों को फोकस करना चाहिए किसी भी प्लान के थ्रू जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ की उनकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको पहले आप पूरा करिए ऐसा प्लान आप करिए साथ ही साथ इस पीपल्स प्लान में एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो दोनों को ही हाईलाइट किया गया प्रमोट किया गया लेकिन इस प्लान की पीपल्स प्लान की जो बेसिक लीनिंग रही वो थोड़ी सी सोशलिस्ट लीनिंग रही क्योंकि सोशलिज्म से, से हैवीली इंस्पायर्ड रहा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम देखें यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट का कि मिड नाइन्टीज में उसके अलावा यूपीए की जो अलाइंस रही टू उसमें भी जो बहुत सारे प्लान रहे उसमें कहीं ना कहीं इस पीपल्स प्लान ऑफ नाइन 1945 का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद ह्यूमन फेस का स्लोगन दिया गया 1990s में उसमें भी ऐसा लगता है कि पीपल्स प्लान की जो मेन रिकमेंडेशन थी कि किसी भी प्लान किसी भी इकोनॉमी किसी भी कंट्री का मेन फोकस होना चाहिए कि कॉमन सिटीजन्स को उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है वो कैसे दे सकें इन्हीं का रिफ्लेक्शन देखा गया तो ये रहा पीपल्स प्लान अगला इंपॉर्टेंट प्लान प्री इंडिपेंडेंस वो रहा सर्वोदय प्लान जब रिपोर्ट्स आई एनपीसी की उनको पब्लिश हुई काफी हद तक कंसल्टेशन बेसिकली हुआ और फाइव ईयर प्लान के लिए जब इंडिया तैयार हो गया तो इंडिया का किस तरीके से प्लान डेवलपमेंट हो ये उसका ब्लूप्रिंट, इसको पहली बार फॉर्मुलेट किया उस वक्त के जो सोशलिस्ट लीडर रहे जयप्रकाश नारायण जी और इस पूरे प्लान इस ब्लूप्रिंट का नाम दिया गया सर्वोदय प्लान ये पब्लिश हुआ जनवरी 50 में जो प्लान था इसने अपनी मेजर इंस्पिरेशंस ड्रॉ की जो गांधी वर्क करिए कम्युनिटी ट्रस्टीशिप उसके अलावा सर्वोदय कॉन्सेप्ट ऑफ आचार्य विनोबा भावे जो कि एमिनेंट कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स हुआ करते थे इस सर्वोदय प्लान के जो मेजर आइडियाज थे वो गांधीयन जो प्लान थे क्या मैं कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए हमें सेल्फ कंटेन विलेजेस को प्रमोट करना चाहिए हमें डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए इंडस्ट्रीज के बजाय हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए उस टाइप की ही बेसिकली एडवोकेसी रही सर्वोदय प्लान की भी इसमें बेसिक एम्फोसिस रहा एग्रीकल्चर एग्री बेस्ड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज सेल्फ रिलायंस एंड ऑलमोस्ट नो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ इंडिया खुद बेसिकली बना पाए लैंड रिफॉर्म्स पे सेल्फ डिपेंडेंट विलेजेस पे डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ प्लानिंग पे उसके अलावा इकोनॉमिक प्रोग्रेस सो सिमिलर प्रोग्रेसर सर्वोदय प्लान हो चाहे गांधी प्लान हो दोनों की इंस्पिरेशन काफी सिमिलर ही लगती है कई सारे आइडियाज रहे सर्वोदय प्लान के जो एक्सेप्टेबल रहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक करके जब हमारे फाइव ईयर प्लान रूल आउट होना शुरू हुए उसमें इनकॉपरेट करना शुरू किया अब ये पहला हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट प्लान रहा नाइनटीन में जयप्रकाश नारायण ने जब देखा कि किस तरीके से हमारी प्लानिंग प्रोसेस पूरी सेंट्रलाइज हो गई है तो पूरी सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस के वो मेजर क्रिटिक के रूप में उभर कर आए उन्होंने जो इंडिया की पूरी प्लानिंग प्रोसेस है इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन है लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया हमारी पूरी प्लानिंग प्रोसेस में इसको नाइनटीन में काफी क्रिटिसाइज किया और उनके हिसाब से कि जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन है ये ज्यादातर इस वजह से होती है कि जो पावर स्ट्रक्चर है उसके की स्टेक होल्डर्स हैं हो सकता है हमारे एमएलए हो हमारे एम हो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो या स्टेट लेवल पोलिटिशियंस हो उनको नहीं पसंद हो कि आम आदमी भी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में पार्टिसिपेट करे वो चाहते होंगे कि चाहे रिसोर्सेज हों इकोनॉमिक रिसोर्सेज हों सोशल रिसोर्सेज हों पॉलिटिकल रिसोर्सेज हो ये सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही सेंट्रलाइज्ड रहे इस वजह से जयप्रकाश नारायण कमिटी एग्जिस्टेंस में आई 1961 और इन्होंने जो सेंट्रलाइजिंग नेचर ऑफ इंडियन प्लानिंग है उसको अपोज करना शुरू किया इनफैक्ट इन्होंने यह भी कहा कि जब गवर्नमेंट ने इंडिया ने पंचायती राज को एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन होंगे वो प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे लोकल लेवल पर तो फिर हम बेवजह सेंट्रलाइज प्लानिंग के थ्रू इस पूरे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्यों हाईजैक कर रहे हैं जो 1961 की जयप्रकाश नारायण कमेटी रही इसकी जो रेकमेंडेशन रही कि आप सेंट्रलाइज के बजाय डिसेंट्रलाइज प्लानिंग पे फोकस करिए आप सेंट्रलाइज प्लानिंग के बजाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर फोकस करिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया और कई सारी स्कीम्स कई सारी सेंट्रल स्कीम्स जैसे कि स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी एस एफ डी ए ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम (DPAP) या इंटेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम (ITDP) उसके अलावा इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आई ए सब इन सबको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बाहर रखा गया 1992 में हालांकि चीजें बदल गई और क्यों बदल गई क्योंकि कमेटी ने रेकमेंड किया लगभग तीन डिकेज के बाद जब सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट हमारे कंट्री में आए और हम लोगों ने फाइनली जो हमारी लोकल बॉडीज हैं हमारा पंचायती राज, राज इंस्टीट्यूशन हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जब सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट ने उनको ज्यादा पावर ज्यादा फंड ज्यादा अथॉरिटी देना शुरू किया तो जयप्रकाश नारायण की जो नाइनटीन का ऑपोजिशन रहा वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिखाई देता है तो ये हमारे रहे कुछ मेन प्लानिंग्स कुछ मेन कमिटीज कुछ मेन रिकमेंडेशन कुछ मेन इवेंट्स इसके अलावा भी कुछ एरिया वाइज रिपोर्ट्स उस वक्त पब्लिश की गई जैसे कि जो प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है इसके लिए जो नाइनटीन का डिकेड रहा इसमें अगर हम देख लें तो कई एरिया स्पेसिफिक रिपोर्ट्स जैसे कि गार्डगिल रिपोर्ट ऑन रूरल क्रेडिट खेराघाट रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कृष्णमाचारी रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर प्राइसेस सरैया रिपोर्ट ऑन कॉपरेटिव उसके अलावा इरिगेशन, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो कैनाल हो एक्टेट्रा इन पर भी कई सारी सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स पब्लिश की गई ये ज्यादातर जो रिपोर्ट्स थी काफी ड्यू इंटेलिजेंस के साथ बहुत केयरफुली और स्कॉलरशिप के साथ बेसिकली प्रिपेयर की गई लेकिन कॉलोनियल मास्टर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था ना ही इन रिपोर्ट्स में ना ही उनकी फाइंडिंग्स में ना ही इफेक्टिवली इनको इंप्लीमेंट करने में फिर भी इस पूरे वर्क का फायदा यह हुआ कि ग्राउंड वर्क हमारा 1930s और 1940s के डेकेड में हो गया और इस सारी फाइंडिंग्स को स्टडीज को इंप्लीमेंट करना हमने शुरू किया जब 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए तो क्लियरली अब इस पूरी चीज को अगर हम देख लें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट एनपीसी, बॉम्बे प्लान फिकी प्लान एक्सेट्रा तो कुछ कॉमन चीजों पे सबका अग्रीमेंट माना जा सकता है और ये कुछ कॉमन चीजें हैं कि लगभग सभी कमिटीज़ ने सभी रिपोर्ट्स ने या मेजर प्लानर्स ने या मेजर स्टेक होल्डर्स चाहे हमारे नेशनलिस्ट हों या फिर आई हो या फिर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हों इन सभी ने माना कि सेंट्रल प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए इंडियन के इंडिया के डेवलपमेंट के लिए उसके अलावा स्टेट को एक बहुत एक्टिव रोल प्ले करना होगा ताकि उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप सोशल डेवलपमेंट में भी कन्वर्ट कर सकें तभी इंडिया के जो आम नागरिक हैं कॉमन सिटीजनरी है उसका हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत तेजी से बढ़ा पाएंगे पहला अग्रीमेंट दूसरा कि ये सब करने के लिए खासतौर से सेंट्रलाइज अगर आप प्लानिंग करेंगे तो एक जगह के रिसोर्सेज को आपको दूसरी जगह के रिसोर्सेज पे ले जाना पड़ेगा प्लस आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से सेक्टर्स में आप ज्यादा इन्वेस्ट करवाना चाह रहे हैं कौन से सेक्टर्स में आप अभी उतना इन्वेस्ट नहीं करवाना चाह रहे हैं किस प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किससे इन्वेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल स्टैब्लिश करने होंगे हो सकता है आपको या लाइसेंस राज जिसको बाद में कहा जाने लगा उसको भी आपको फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवाना होगा ताकि आप इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्ट कर सकें डिजायर्ड चैनल्स में और आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आप इंश्योर कर सकें पूरे कंट्री में तो ये अग्रीमेंट नंबर दो हो गया अग्रीमेंट नंबर तीन कि एक बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए सारे सेक्टर्स का बेसिक इंडस्ट्रीज हमें सबसे पहले स्टैब्लिश करनी चाहिए इसमें जरूरत पड़े तो स्टेट स्टेट ओन इंडस्ट्रीज या स्टेट एंटरप्राइजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ऐसे एरियाज में जहां पे हो सकता है हमारा प्राइवेट सेक्टर अभी इंटरेस्टेड ना हो जहां पे हो सकता हमारा प्राइवेट सेक्टर केपेबल ना हो जहां पे हो सकता हमारा प्राइवेट सेक्टर अभी तैयार ना हो इसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट तो हुए लेकिन किस तरीके से इनको अचीव किया जाए इस पर डिसग्रीमेंट रहा और ये ब्रॉडर कॉन्ट्यूर हमें मिल गया नाइनटीन 1940s कि ये सारी रिपोर्ट्स जो हमने अभी डिस्कस की हैं अभी तक आपसे बोर्ड्स बने कमिटीज बनी डिस्कशंस हुए इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आई कुछ सिमिलर कुछ डिफरेंट लेकिन ये तीन बड़ी चीजें निकल के आई सेंट्रलाइज प्लानिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट का एक्टिव पार्ट होगा कंट्रोल्स और लाइसेंसेस और बैलेंस डेवलपमेंट के साथ बेसिक इंडस्ट्रीज और बेसिक इंडस्ट्रीज के साथ स्टेट मैनेज एंटरप्राइजेस स्टेट ओन एंटरप्राइजेस भी इस्टेब्लिश हमको करनी सकते हैं अब इस तरीके से दो डिकेट में इवॉल्व हुई इंडिया की इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस बहुत सारे डेलिब्रेशन से एक्सरसाइज से कंसल्टेशन से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे फोकस करवा के और इंडिया तैयार हो गया चाहे वो बॉम्बे प्लान हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनपीसी हो सर्वोदय प्लान हो इनको किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए लेकिन अगर आप सच बात देखें ज्यादातर जो प्लान थे खासतौर से अगर आप बात इसमें देख लें पीपल्स प्लान की या सर्वोदय प्लान की इनके अलावा ज्यादातर प्लान सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करने वाले थे इनमें कोई सोशल फिलोसफी नहीं थी कि सोसाइटल चेंजेस आप इकोनॉमी के थ्रू कैसे अचीव कर पाएंगे इंडिया में इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया दोस्तों तो दोस्तों ये रहा हमारा डिस्कशन कि किस तरीके से कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट कमिटीज रही डिस्कशंस रहे रिपोर्ट्स रही मेजर एग्रीमेंट्स रहे क्या उसमें गैप्स रहे क्या उसमें अच्छी चीजें रही कैसे उनको इंडिपेंडेंस के बाद इनकॉर्पोरेट किया गया क्या क्रिटिसिज्म रहा आज के इंडियन प्लानिंग के लेक्चर में अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर कि अगर ये डिसीजन हो गया कि इंडिया विल गो फॉर प्लानिंग इंडिया विल गो फॉर सेंट्रलाइज प्लानिंग तो क्या मेजर ऑब्जेक्टिव होंगे इंडिया की प्लानिंग के चलिए एक एक करके डिस्कशन करना शुरू करते हैं और क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ एग्जाम्पल से भी उनको लस्क्रेट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों जो प्लानिंग फॉर इंडिया है एक्चुअली इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाए कि जो एस्पिरेशन है ड्रीम्स हैं हमारे सिटीजन के हमारे नागरिकों को उनको पूरा किया जा सके जो फ्यूचर इंडिया है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बेसिकली होगा जिसको सोचा होगा देखा होगा उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके ऐसा हो हमारा प्लानिंग पहला मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग के अलावा जो एस्पिरेशन हैं जो गोल्स हैं उसकी कई सारा रिफ्लेक्शन हमको देखने को ऑलरेडी मिल गया नेशनल प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट्स में जिसको हमने इनकॉपरेट किया जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी डिबेट्स में और कई सारे एलिमेंट्स बोरो हमने किए एनपीसी से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टली अगर आप नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात देख लें आप सोवियत और फ्रेंच स्टाइल ऑफ प्लानिंग की देख लें तो एनपीसी ने भी क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे इंडिया के प्लानिंग के उसको आर्टिकुलेट करने की कोशिश की दोस्तों जो प्रोसेस है प्लानिंग इंडिया में इसमें जितनी भी एस्पिरेशंस हैं हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट की फ्यूचर जनरेशन की इसको इनकॉपरेट किया जाए लेकिन बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट है तो ये काफी जनरल एक थीम हो गई कि नेशनलिस्ट का जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को इमेजिन किया होगा उनकी एस्पिरेशन और फ्यूचर जनरेशन जो इंडिया की है उनकी एस्पिशन को फुलफिल करने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए लेकिन एक्चुअली आप क्या ग्राउंड लेवल पे करें जिससे ये एस्पिरेशन ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए हमारी नेशनल प्लानिंग में उसके बारे में अब बात करना शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर लें और सोशल फिलोसफी को देखें जो कई डिकेट्स में बाद में इवॉल्व हुई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जब डिबेट्स हुई तो उसमें नेशनलिज्म के अलावा लार्ज स्केल सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक दूसरे के साथ टाइप कैसे किया जाए इसके अलावा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स कैसे इंडिया में लाए जाएं उसके अलावा रैपिड एंड अप्रिशिएबल राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल उसके अलावा सोशल जस्टिस कैसे इंकलकेट किया जाए थ्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सोशल रिफॉर्म्स ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन गया इंडिया की प्लानिंग का और यह सब आप कैसे अचीव कर पाएंगे जब इंडिया एक वेलफेयर स्टेट का रोल प्ले करना शुरू करेगा तो प्लानिंग तो आप करिए लेकिन एक वेलफेयर स्टेट की तरह करिए सेकंड पॉइंट अगर आप तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि प्लानिंग किस तरीके की होनी चाहिए उसका एक रिफ्लेक्शन हमको देते हैं पहला इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है मतलब इस पर स्टेट भी रूल्स बना सकते हैं सेंटर भी रूल्स बना सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने यह पावर यूनियन को दी है कि आप जो कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट है अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रीजन में इसको इंश्योर करेंगे दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन्होंने ऑपरेटिव फेडरलिज्म को शुरू से ही अपने अंदर एम्बाइब किया है कि किस तरीके से ऐसा ना हो सेंटर अलग डायरेक्शन में है स्टेट अलग डायरेक्शन में है दोनों में कोऑर्डिनेशन ना हो रहा हो अगर आपको सोशल इकोनॉमिक इमेंसिपेशन अचीव करना है प्लानिंग के थ्रू तो आपको कॉपरेटिव फेडरलिज्म इंश्योर करना ही होगा चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 249 आप देख लें 252 देख लें 257 देख लें 258 देख लें 258 ए देख लें या 312 देख लें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वेलफेयर स्टेट के क्या ब्रॉड बेसिकली पैटर्न होंगे इनके बारे में भी गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करते हैं जैसे फंडामेंटल राइट क्या होंगे जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी जो ये पूरी प्लानिंग प्रोसेस की डिबेट रही उसको शुरुआत से ही कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेड करने की कोशिश की फिर जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है जब 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया और इसमें रेफरेंस बेसिकली दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का इसका ऑब्जेक्टिव यही रखा गया कि प्लानिंग कमीशन हम इसलिए स्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको अचीव किया जा सके जो फंडामेंटल राइट्स हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर सिटीजन को कुछ बेसिक राइट्स देते हैं एडिक्वेट एडिक्एट ऑफ लाइवलीहुड लाइवलीहुडॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस एंड डिलीवरी एटसेट्रा एटसेट्रा मतलब बेसिकली जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का वो ऑलरेडी अगर आप देखें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई पार्ट्स के अंदर ऑलरेडी इंसर्टेड है एम्बेडेड है और अगर हम फर्स्ट अपना प्लान देख लें फर्स्ट फाइव प्लान देख लें 1951-56, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आपसे लेक्चर नंबर है इसी तरीके से अगर आप सिक्स फाइव प्लान देख लें नाइनटीन और एटी का तो उसमें भी कि आप स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी का कैसे लाएंगे हाई सस्टेन ग्रोथ रेट आप कैसे अचीव करेंगे उसके बाद आप प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट कैसे लाएंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मासिस में इस पर फोकस किया जाए रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी पे अनएलॉयमेंट को हटाने में उसके बाद मटीरियल प्लान में दिखाई देता है इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग अगर आप देख लें जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 90, 91, 92 के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हमको के डिबेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट प्रोविजन में दिखाई देते हैं अगर इस सब को अप किया जाए तो अगर एक ब्रॉड कंसेंसस आप देखें कि जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है उसमें ऑब्जेक्टिव्स निकलकर सामने आते हैं व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पहला मेजर ऑब्जेक्टिव होगा हमारी पूरी प्लानिंग प्रोसेस का कि हम एक हाई सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव करें सस्टेन इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि जब हम लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर पाएंगे तो तभी हम अपने कॉमन सिटीजन को उसका बेनिफिट दे पाएंगे दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा हमारी प्लानिंग का पॉवर्टी एलिवेशन चाहे एनपीसी आप देख लें चाहे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देख लें या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देख लें सभी का फोकस रहा कि किस तरीके से जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो प्लानिंग हो इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव हो कि गरीबी कैसे हटाई जाए पॉवर्टी कैसे कम की जाए और उसी का नतीजा है कई सारे प्रोग्राम्स आप देख लीजिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है नरेगा जिसको कहा जाता है जो कि 2006 में बेसिकली पास किया गया पार्लियामेंट में एक एक्ट के थ्रू तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है कि, कि किस तरीके से पॉवर्टी एलिवेशन को रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली अचीव किया जाए तो तीसरा मेजर ऑब्जेक्टिव हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कि जो पुअर है खासतौर से उनके लिए हमारी प्लानिंग प्रोसेस हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हमारा सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट किस तरीके से उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाएगा चौथा जो ऑब्जेक्टिव हो गया कंट्रोलिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्योंकि इनइक्वालिटी को कम करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग को एक मेजर टूल माना गया यूएसएसआर से लेके फ्रांस से लेके ईस्टर्न यूरोप से लेके अब इंडिया में भी और इंडिया में उस वक्त बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सोशल इन रही इंटरपर्सनल लेवल पे इंटरपर्सनल लेवल पे और इकोनॉमिक प्लान को आप कैसे एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं जो डिस्पैरिटीज हैं इन हैं इनको दूर करने में फंडामेंटल राइट्स फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें कॉन्स्टिट्यूशन के तो उसमें सोशल इनक्वालिटीज को दूर करने की कोशिश की है कि सबको राइट टू इक्वालिटी होगा सबको राइट टू लाइफ होगा सबको राइट टू रिलीजन होगा इस तरीके से इंडियन प्लानिंग किस तरीके से सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करे ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा हमारी प्लानिंग प्रोसेस का जो पांचवा ऑब्जेक्टिव हो गया प्लानिंग प्रोसेस का वो हुआ सेल्फ अगर हम नाइनटीन और फोर्टीज की बात देख लें तो जो नेशनलिस्ट रहे कैपिटलिस्ट रहे या नेशनल प्लानिंग कमिटी रही नाइनटीन की सभी ने रेकमेंडेशन दी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो सेल्फ लाइन हो जितने भी इकोनॉमिक एरियाज हैं उन सब में और सेल्फ लायंस का ये मतलब नहीं कि टार हो इसका मतलब है कि हमारी जो सबॉर्डिनेट पोजीशन है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में वो ना हो हम एज ए इक्वल प्ले करें फ्री फ्लोइंग ट्रेड होना चाहिए एक्सपोर्ट्स भी होने चाहिए इंपोर्ट्स भी होने चाहिए लेकिन ऐसा ना हो कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करें और बाहर के डेवलप्ड वर्ल्ड हमको सिर्फ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट सप्लाई करें एट मच हायर रेट्स सो सेल्फ रिलायंस का जो कॉन्सेप्ट आया इसका यह मतलब नहीं कि इट विल एक्सक्लूड इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड शुड बी एनकरेज बट दैट शुड नॉट बी दैट शुड नॉट अल्टीमेटली बी लीडिंग टू इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म इंडिया आज भी बहुत सारे एरियाज में सेल्फ लाइन के लिए स्ट्राइव करता है और खासतौर से जब ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड स्टार्ट हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद तो अभी जो लेटेस्ट इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत अभियान देख लीजिए मे टू थाउजेंड ट्वेंटी में, में लॉन्च हुआ इसकी नींव कब हुई इंडिपेंडेंस से पहले तो आत्मनिर्भर या सेल्फ लाइंस इंडिया को बनाना भी पांचवा बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया हमारी पूरी प्लानिंग प्रोसेस का और जो लास्ट ऑब्जेक्टिव रहा प्लानिंग प्रोसेस का वो रहा मॉडर्नाइजेशन कि हम किस तरीके से जो हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज कर पाए हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है खासतौर से उसमें इमिजिएट जरूरत है कि मॉडर्न टूल्स टेक्निक्स मेथड्स फार्मिंग डेयरिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि जो स्टैगनेंट एग्रीकल्चर है डिग्रेडेड एग्रीकल्चर स्टेटस है हमारे इंडिया का उसको बेटर बनाया जा सके इसके अलावा एजुकेशन में भी किस तरीके से हम मॉडर्न टेक्निक्स मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर पाएं तो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न साइंस इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसके अलावा इंडस्ट्री एज इट्स प्राइम मूविंग फोर्स जो हमने पिछले लेक्चर में किया कि क्यों हमने इंडस्ट्री को चूज किया एग्रीकल्चर के ओवर तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी फोकस रहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे फोकस रहे ये हमारा रहा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग अगर हम बात देख लें प्रीएम्बल की या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट तो उनमें भी मॉडर्नाइजेशन या साइंटिफिक टेंपरामेंट या साइंटिफिक आउटलुक को बहुत वेटेज दिया है दोस्तों तो ये तो रहा एक थियोरिटिकल डिस्कशन कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल इश्यूज पे क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद पहला रहा स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन की प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया जाए जब नेशनल प्लानिंग कमीशन 1938 में स्टैब्लिश हुई फाइनली उसकी रिपोर्ट्स 1949 में पब्लिश हुई तो एक बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस निकल के आया कि इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइव करने के लिए हमको एक परमानेंट एक्सपर्ट बॉडी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और उसी को ध्यान में रखते हुए मार्च 1950 में एक कैबिनेट रेजोल्यूशन ध्यान रखिए कैबिनेट रेजोल्यूशन था किसी तरह के बिल किसी तरह के लेजिस्लेशन के बिना प्लानिंग कमीशन को मार्च 1950 में स्टैब्लिश किया गया इसके कुछ डिटेल्स कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को फटाफट फ़ड़ देख लिया जाए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दिस इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिस इज नॉट ए स्टैच्यूटरी बॉडी प्लानिंग ओरिजिनेट होती है कॉन्स्टिट्यूशन से लेकिन कौन सी बॉडी इसको गवर्न करेगी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है ना ही किसी बिल लॉ के थ्रू इसको बनाया गया है एक सिंपल कैबिनेट रेजोल्यूशन से इसको 1950 में स्टैब्लिश किया गया ये एक एडवाइजरी बॉडी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेगी बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एजेंडा पे सेक्टर्स पे एक थिंक टैंक की तरह काम करेगी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके और इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होंगे प्राइम मिनिस्टर साथ साथ ही इसमें प्रोविजन होगा एक डेप्यूटी चेयरमैन का इसके जो मेन फंक्शन होंगे डेप्यूटी चेयरमैन के वो पूरा कोऑर्डिनेशन जो वर्क होगा प्लानिंग कमीशन का उसको बेसिकली देखेंगे इसमें कई सारे मेंबर्स होंगे उसके अलावा इसमें छह यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे और एक मेंबर सेक्रेटरी होगा जो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग है वो ऑटोमेटिकली इसका ऑक्स ऑफिशियो बेसिकली ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको गवर्नमेंट के सामने रखेगी साथ ही साथ उनके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं क्या रिसोर्स एलोकेशन हो सकता है क्या प्लान हो सकता है सोल्यूशंस भी ये गवर्नमेंट को एडवाइज करेगी ये यूनियन गवर्नमेंट के साथ स्टेट कैबिनेट के साथ क्लोजली कॉर्डिनेट करेगी और उनकी पॉलिसीज की पूरी नॉलेज रखेगी और उनको एडवाइज भी करेगी इसके अलावा जो प्रपोज चेंजेस हैं चाहे वो सोशल पॉलिसीज में हो इकोनॉमिक पॉलिसीज में हो गवर्नमेंट भी इस प्लानिंग कमीशन की बॉडी को हमेशा कंसल्ट करती रहेगी और प्लानिंग कमीशन में फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो बिना किसी डर के बिना किसी दबाव के उसके लिए इसमें हमेशा एक कन्वेंशन रहा कि इसकी जो भी वर्किंग होगी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो उसको पब्लिसाइज नहीं किया जाएगा ताकि लोग बेवजह किसी तरह का अंडू इंफ्लुएंस एग्जर्ट ना कर सके अच्छा इसका सेक्रेटेरिएट कहां पे होगा जो यूनियन कैबिनेट है उसका जो सेक्रेटेरिएट है उसको प्लानिंग कमीशन यूज करेगी इसका मतलब प्लानिंग कमीशन बेसिकली कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बन गई और इसकी जो डिमांड्स फॉर ग्रांट है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की जो डिमांड्स हैं उसके साथ ही मांगी जाती थी जहां पे इसकी सीटिंग थी उसको योजना भवन कहा जाने लगा और इसमें बहुत सारे सेक्रेटरीज एडवाइजर्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा भी धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गए प्लानिंग कमीशन अगर प्रॉपरली इसमें देखें तो एक टेक्निकल बॉडी है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं प्रोफेशनल्स हैं अलग अलग स्पेसिफिक एरिया से आके जैसा प्लानिंग कमीशन को लगता था अपने वर्क को इफेक्टिवली डिलीवर करने के लिए हायर एंड फायर करती रही कमीशन के पास क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं या थी यस एग्जीक्यूटिव पावर्स गिवन टू द कमीशन क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहे होंगे प्लानिंग कमीशन के इनके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए प्लानिंग कमीशन को जब स्टैब्लिश किया गया तो उसका डेफिनेट पर्पज था प्लानिंग लेकिन किसी को उस वक्त यह नहीं पता था कि धीरे धीरे एक छोटा सा डोमेन प्लानिंग बढ़ता हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में स्टेट्स के अंदर भी अपनी जगह बना लेगा इसको धीरे धीरे इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ द कंट्री भी कहा जाने लगा इनफैक्ट कई लोगों का यह कहना था कि इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन धीरे धीरे इतनी पावरफुल होती गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे कि फाइनेंस कमीशन उनका भी जो एरिया रहा या उनका जो जूरिसन था उसको भी प्लानिंग कमीशन धीरे धीरे ओवरलैप करने लगा और सबसे बड़ी कमी प्लानिंग कमीशन की इस बात को लेकर कही गई कि यह सिर्फ एक कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई है पार्लियामेंट के इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और शुरुआत में इसको एक लीन एंड मीन ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्टेब्लिश किया गया लेकिन टाइम के साथ हैवी ब्यूरोक्रेटाइजेशन बहुत सारे सेक्रेटरीज बहुत सारे मेंबर्स एक बड़ी बिल्डिंग इनफैक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ने कहा कि कमीशन जो कि एक स्मॉल बॉडी ऑफ सीरियस थिंकर्स की तरह एनविसाज की गई थी अब एक बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह अपने आप को एक्सपेंड कर चुकी है जिसमें बहुत सारे क्राउड ऑफ सेक्रेटरीज हैं डायरेक्टर्स हैं एंड ऑफ़ कोर्स ए वेरी वेरी बिग बिल्डिंग कॉल्ड योजना भवन तो प्लानिंग कमीशन के जो फंक्शन थे टाइम के साथ चेंज होते रहे अगर आप शुरुआत का ऑर्डर देख लें प्लानिंग कमीशन तो पहला जो फंक्शन था वो था कि मटेरियल कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेस कंट्री की जो भी जरूरत हो अपने प्रॉपर प्लान को चाहे टेक्निकल पर्सन हो चाहे इन्वेस्टिगेटर्स हो उन प्लान का असेसमेंट करेंगे जिसकी जरूरत पड़े जिसमें हम डेफिशिएंट हैं या रीएलोकेशन करना पड़े उसके बारे में प्लानिंग कमीशन डिसीजन लेके गवर्नमेंट्स को एडवाइस करेगी पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन कि प्लानिंग कमीशन एक प्लान फॉर्मुलेट करेगी जिससे मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट बैलेंस यूटिलाइजेशन जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेस का है उसको इंश्योर किया जा सके तीसरा कि जब प्लानिंग कमीशन एक बार यह डिटर्मिन कर लेगी कि क्या हमारी प्रायोरिटीज होंगी कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसमें हमको प्लान को कैरी आउट करना होगा इंप्लीमेंट करना होगा तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट लेवल पे यह भी प्लानिंग कमीशन ही रिकमेंड करेगी चौथा फंक्शन कि प्लानिंग कमीशन उन फैक्टर्स के बारे में ट्रेंड्स के बारे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेटेस्ट व्यू के बारे में गवर्नमेंट्स को लगातार एडवाइस करती रहेगी उसके अलावा पांचवा फंक्शन कि प्लानिंग कमीशन किस तरह की मशीनरी जरूरत है ताकि हम हमारे प्लान्स को अलग अलग स्टेजेस में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवा सकें इसके बारे में भी डिटरमिन करेगी और गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी इसके अलावा जो प्रोग्रेस है हमारे प्लान की अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइम पे उस प्रोग्रेस के बारे में भी गवर्नमेंट को लगातार अपडेट करेगी साथ ही साथ क्या हमको एडजस्टमेंट करने होंगे क्या पॉलिसी चेंजेस लाने होंगे क्या रिसोर्स चेंजेस लाने होंगे इनके बारे में गवर्नमेंट को अप्रेज करती रहेगी इसके अलावा एंटरएम एंड एन रिकमेंडेशन जो भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा जो भी रेफर किया जाए मैटर उस पर अपनी एडवाइस उनको अवेलेबल कराएंगे तो दोस्तों किस तरीके से प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ क्या इनिशियल ऑर्डर रहा इसके फंक्शन का क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे कौन इसके चेयरमैन है और किस तरीके से इसने अपना रोल प्ले करना शुरू किया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इसमें हमारा ये डिस्कशन हो गया अब डिस्कशन हो जाए कि ये जो इनिशियल सेट ऑफ सेवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई प्लानिंग कमीशन को इनमें दो इंपॉर्टेंट एडिशन हुए जो हमारा टेंथ प्लान हुआ 2002 से लेकर 2007 उसमें और प्लानिंग कमीशन के जो नए दो फंक्शन रहे 2002 में उसमें पहला फंक्शन जिसने मुझे लगता है कि काफी हद तक चेंज कर दिया इसके रोल को वो रहा कि 2002 में प्लानिंग कमीशन को ऑथराइज किया गया कि ये जो प्रोसेस है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के उसमें क्या प्रोग्रेस है क्या इंप्लीमेंटेशन हम प्रॉपर करवा पा रहे हैं स्टीयरिंग कमिटीज की हेल्प से उस चीज को ट्रैक करेगा इसका मतलब प्लानिंग कमीशन ने अब स्टेट्स के रोल को कम करना शुरू कर दिया और प्लानिंग कमीशन अब मॉनिटर करने लग गई कि नाइनटीन में जो हमने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर एग्रीमेंट हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद उनमें क्या इंप्लीमेंट होना है कैसे इंप्लीमेंट होना है कब इंप्लीमेंट हुआ कौन पीछे रह गया कौन आगे रह गया तो जो स्टेट का रोल था इकोनॉमी में उसको एक तरीके से रीडिफाइन कर दिया इस पहले एडिशनल फंक्शन ने जो इसको दिया गया 2002 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991-92 की उसमें इमा फेसी तो आप देखेंगे कि उसमें कहा गया कि आप लिबरलाइज करिए आप ग्लोबलाइज करिए आप प्राइवेटाइज करिए तो काफी लोगों का यह भी कहना था कि क्या इसकी वजह से अब प्लानिंग कमीशन का रोल कम हो जाएगा क्योंकि प्लानिंग कमीशन तो प्लान डेवलपमेंट पे फोकस करती थी जब आप बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की तो उसमें तो मार्केट फोर्सेज ज्यादा हैवी होंगी लेकिन सच्चाई यह है कि प्लानिंग कमीशन की पावर्स पे अथॉरिटी पे रोल पे 1991-92 का जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा इनफैक्ट इसका रोल इसका रेलिवेंस इसके फंक्शंस, इसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बड़ी होती गई और प्लानिंग कमीशन को ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई 2002 में कि आप ही मॉनिटर करिए कि 1991 नाइनटी की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने जो प्रॉमिसेज किए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा को उनकी इंप्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या है कैसे उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवाया जाए और इससे भी बड़ा जो दूसरा फंक्शन इसको दिया गया 2002, वो दिया गया कि अब आपके पास पावर है कि जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है उनके पर्टिकुलर सेक्टर्स में एरियाज़ में उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं और इस पावर के अंडर प्लानिंग कमीशन ने 10 या 10 मॉनिटरेबल टारगेट्स रखे जिनमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज को प्लानिंग कमीशन अब रैंक करने लग गई इसका मतलब जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज थे उनके ऊपर एक सुपर मिनिस्ट्री की तरह काम करने लग गई जस्ट सोचिए मिनिस्ट्रीज को प्राइम मिनिस्टर मॉनिटर कर सकते हैं कैबिनेट मॉनिटर कर सकता है, लेकिन 2002 में प्लानिंग कमीशन को यह पावर दे दी गई कि आप सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को भी मॉनिटर कर सकते हैं उनके लिए प्लानिंग कमीशन टारगेट सेट करते थे और इन टेन टारगेट्स पे उनको रैंक किया जाता था जो मिनिस्ट्रीज की टाइमली परफॉर्मेंस थी उसको प्लानिंग कमीशन को फीड किया जाता था और इससे रिलेटेड फीडबैक फिर वो हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप को प्रोवाइड करने लग गए तो कई लोग इकोनॉमिक कैबिनेट तो कहा जाने लगा लेकिन 2002 के इस एडिशनल फंक्शन के बाद इसको ऐसा कहा जाने लगा कि जब प्लानिंग कमीशन ही सारे डिपार्टमेंट्स, सारे मिनिस्ट्रीज को मॉनिटर करेगी डिसाइड करे कि कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा नहीं कर रहा है कैसे उसको अपने चेंजेस लाने होंगे रिफॉर्म्स लाने होंगे तो कहीं ना कहीं कैबिनेट से भी उसको एक लार्जर देन लाइफ रोल दे दिया गया प्लानिंग कमीशन ने बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं स्टेट्स की 2002 की एडिशनल पावर के बाद कि आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को मॉनिटर करेंगे आप सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को बेसिकली रैंक करेंगे इन्फ्लुएंस करेंगे उसके बाद स्टेट्स की क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज पे इंफ्लुएंस रहेगा उसको काफी हद तक प्लानिंग कमीशन ने खाना शुरू कर दिया अपने जरूर में लेना शुरू कर दिया प्लानिंग कमीशन इसका यह मतलब नहीं था कि स्टेट्स के प्लान बनाने लग गया लेकिन प्लानिंग कमीशन के जो इनपुट्स थे वो एक मेजर इंफ्लुएंस एग्जर्ट करना शुरू कर चुके थे स्टेट्स के जो प्लान थे उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनके ऊपर और इसके साथ साथ ये मॉनिटरेबल टारगेट्स पहले सेंटर के साथ अब स्टेट्स के लिए भी सेट करना प्लानिंग कमीशन ने शुरू कर दिया तो मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हो स्टेट मिनिस्ट्रीज हो स्टेट प्लान हर जगह प्लानिंग कमीशन की छाप आपको देखने को मिल जाएगी 2002 के पर्टिकुलरली और ये जो कॉन्सेप्ट रहा मॉनिटरेबल टारगेट्स, इसके बाद तो ऐसा लगता था कि मिनिस्ट्रीज चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो वो कैबिनेट को नहीं प्लानिंग कमीशन को रिपोर्ट करती होंगी लेकिन इसका एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट भी रहा इंपैक रहा पॉजिटिव इंपैक्ट कि जब एक बॉडी सभी चीजों को यूनिफॉर्मली मॉनिटर कर रही है तो चाहे वो सेंटर के प्लान हो चाहे स्टेट्स के प्लान हो चाहे सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हो चाहे स्टेट्स के डिपार्टमेंट्स हो सभी में एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह प्लानिंग कमीशन ने एक्ट करना शुरू कर दिया वरना पता चले कि एक स्टेट किसी अलग डायरेक्शन में भाग रहा है दूसरा बिल्कुल अलग डायरेक्शन में भाग रहा है और अल्टीमेटली कुछ भी अचीव नहीं हो पा रहा है तो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट और कुछ नॉट सो पॉजिटिव इंपैक्ट चलिए अगर कोई हमसे कहे कि आप प्लानिंग कमीशन का क्या रोल रहा क्या इंपैक्ट रहा इसको थोड़ा सा एनालाइज करके हमें बताइए तो जब जनवरी फर्स्ट टू को गवर्नमेंट ने फाइनली प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया और उसके बजाय एक नई बॉडी को क्रिएट किया नीति आयोग तो एक जो प्लानिंग का मेजर एरा था इंडिपेंडेंट इंडिया में उसको खत्म होते हुए देखा गया कई लोगों का कहना था कि एक्चुअली कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लानिंग कमीशन एक छोटी सी थिंक टैंक के रूप में जिसका इंसेप्शन हुआ धीरे धीरे आर्म्स एंड लेग्स ग्रो करते करते सेंटर स्टेट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज मॉनिटेबल टागिट्स इट्स स्टार्टेड टू गेट ऑलमोस्ट इन एवरी अदर थिंग और शायद वही इसके डिमाइस का कारण बन गया हो और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि प्लानिंग कमीशन के अंडर ही जो इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस आता है उसकी बेसिकली जो रिपोर्ट रही जून टू थाउजेंड फोर्टीन में जब वो रिपोर्ट सबमिट की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को उसमें इस इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस की रिपोर्ट ने ही कहा कि प्लानिंग कमीशन अब बहुत ज्यादा जो टॉप डाउन अप्रोच है यह शायद ठीक नहीं है इनफैक्ट प्लानिंग कमीशन के इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट इवेल्यूएशन ऑफिस या आईईओ ऑफिस की 2014 की रिपोर्ट ने ही कहा कि प्लानिंग कमीशन अब एक फैसिलिटेटर की बजाय एक हिंड्रेंस बन गया है इंडिया के डेवलपमेंट में इनफैक्ट यहां तक भी कहा इंडिपेंडेंट इवेल्यूशन ऑफिस अंडर प्लानिंग कमीशन ने कि इतनी बड़ी बॉडी बन गई है इतनी लार्ज ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हो गया है कि इसको रिफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है तो इसको रिफॉर्म करने की कोशिश करने के बजाय इसको अबॉलिश करके इसके बजाय एक स्मॉल बॉडी थिंक टैंक को स्टैब्लिश किया जाए अच्छा कुछ मेजर रिकमेंडेशन की बात कर लें जो इस इंडिपेंडेंट इवेल्यूशन की रिकमेंडेशन प्लानिंग कमीशन तो कुछ इस तरह रही उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन को स्क्रेप किया जाए और इसको रिप्लेस किया जाए रिफॉर्म एंड सोल्यूशन आर एस और उसको स्टाफ किया जाए इसमें एक्सपर्ट्स हो डोमिन स्पेशलिस्ट हो और उन उन सभी स्पेशलिस्ट को जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रियल स्ट्रक्चर है उससे दूर रखा जाए वरना यह भी वही प्लानिंग कमीशन की तरह फिर से एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप या स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेगा इसके अलावा ट्रेड और हैं, हैं, हमारे सिविल सोसाइटी रिसर्चर्स हैं एक्सेट्रा हैं, और इनका पर्पज रहेगा इन एक्सपर्ट्स का कि थिंक टैंक की तरह बैठकर सोचकर जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इंडिया उसके बारे में सोचेंगे प्लान करेंगे कोऑर्डिनेट करेंगे रेकमेंड करेंगे तो पहला रेकमेंडेशन रहा आईओ का प्लानिंग कमीशन पे दूसरा रहा कि जो ये रेकमेंडेशन है रिफॉर्म्स एंड सॉल्यूशंस कमीशन या आरएससी की इसके तीन मेन फंक्शंस होंगे पहला तो एक सॉल्यूशन एक्सचेंज और डिपोजिटरी ऑफ आइडियाज की तरह काम करेगी उसके अलावा जो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स रिफॉर्म है उनमें रेकमेंडेशन होगा इसके अलावा जो नए इमर्जिंग चैलेंजेस हैं क्या उनके सोल्यूशन हो सकते हैं इससे पहले वो बड़ा इश्यू बने इसके बारे में भी ये जो रिफॉर्म्स एंड सोल्यूशन कमीशन है या आर है अपनी एडवाइस गवर्नमेंट्स को देगी जो तीसरा बेसिकली रिकमेंडेशन रही आईओ की प्लानिंग कमीशन कमीशन पे कि अभी जो करंट है प्लानिंग क्योंकि इसको अबॉलिश किया, किया जाएगा ये सारे फंक्शन दे दिए जाए बाकी बॉडीज को जो एक्चुअली प्लानिंग कमीशन से ज्यादा बेटर डिजाइन है उन फंक्शन को कैरी आउट करने में चौथी रेकमेंडेशन रही इंडिपेंडेंट एवेल्यूशन ऑफिस की कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास बेटर इंफॉर्मेशन होती है क्या लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं क्या लोकल रिसोर्सेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के बजाय तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको ज्यादा इंडिपेंडेंस दी जाए उनको ज्यादा अथॉरिटी दी जाए कि वो अलाउ किए जाएं कि आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं क्या रिसोर्सेज हैं क्या इश्यूज हैं क्या रिफॉर्म्स हैं आप अपने लोकल लेवल पर डिसीजन लेके आप खुद अपने प्लान्स पॉलिसीज को रीस्ट्रक्चर कर सके रिफॉर्म कर सके पांचवी रिकमेंडेशन रही आईओ की कि जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक थिंकिंग एंड कोऑर्डिनेशन है इसको जो नई बॉडी स्टैब्लिश कर रहे हैं आर उसको सिर्फ एक थिंक टैंक की तरह ही यूज किया जाए राधर देन कि उसके साथ आप मिनिस्ट्रीज भी अटैच कर दें ब्यूरोक्रेसी भी अटैच कर दें एक बड़ा सा सेक्रेटरियट बना दें तो फिर से उसी डायरेक्शन में चला जाएगा इसके अलावा छठी रिकमेंडेशन रही कि जो फाइनेंस कमीशन है उसको एक परमानेंट बॉडी बना दिया जाए जो अकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसके पास कि जो सेंट्रली रेवेन्यूज हैं उनको सेंटर और स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए इसमें ना ही तो प्लानिंग कमीशन का ना ही जो आर की नई बॉडी स्टैब्लिश होगी उसका कोई रोल होना चाहिए और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको टास्क देना चाहिए कि आप सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में कैसे कैसे फंड एलोकेशन करेंगे ये कौन डिसाइड करेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री ये जो रिकमेंडेशन रही आईओ जो कि प्लानिंग कमीशन का ही ब्रेन चाइल्ड था खुद ही बड़ी शॉकिंग थी बड़ी सरप्राइजिंग थी कि जिस मेन मदर इंस्टीट्यूशन का ब्रेन चाइल्ड रहा उसी ने कहा कि आप हमारे मदर इंस्टीट्यूशन को अब खत्म कर दीजिए क्योंकि इसकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी है इनफैक्ट ज्यादा काउंटर प्रोडक्ट और हिंड्रेंस बन चुका है इंडिया के डेवलपमेंट में और इन रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश किया और एक नई बॉडी जिसका नाम नीति आयोग रखा गया उसको 2015 में एंड किया गया दोस्तों तो यह स्टोरी रही हमारे बैकग्राउंड की उससे कैसे प्लानिंग कमीशन इवॉल्व हुआ प्लानिंग कमीशन के क्या रोल रहे 2002 में क्या दो नए रोल दिए गए और 2014 की जो इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस की रिकमेंडेशन है उसके बाद कैसे ये सब चीजें क्लियर हो गई कि प्लानिंग कमीशन अब एक उस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं रह गया है जिस परपज से इसको बनाया गया हो ये शायद अब डाइसफंक्शनल हो गया है काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है इसको अबॉलिश करके अब एक ब्रांड न्यू थिंक टैंक बनाया जाए और 2015 में नीति आयोग केम इंटू एग्जिस्टेंस अब आज के डिस्कशन का जो लास्ट पार्ट है वो हो जाए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या जिसको एनडीसी भी कहा जाता है जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसको सेटअप किया गया अगस्त सिक्स नाइनटीन फिफ्टी टू कैसे जैसे प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था कैसे लॉ no. के थ्रू एक्ट के थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू नो सिंपल एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू जो पहला फाइव ईयर प्लान था उसने कई सारी रिकमेंडेशन दी और उसमें यह भी कहा कि इंडिया जिस साइज का है इतने सारे स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरीज हैं सेंट्रल हैं इन सब को एक फोरम पे कैसे लाया जाए और इन सब को एक फोरम पे लाने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एग्जिस्टेंस में इन नाइनटीन दिस में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट ये सब एक साथ आके जो रिव्यू कर सकें प्लान्स का प्लानिंग प्रोसेस का या इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स का कुछ रीजंस के बारे में हम, हम बात कर लें क्यों एनडीसी या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप किया गया 1952 में पहला जो सेंट्रल प्लान्स थे भाई सेंट्रल प्लान्स तो बन गए इंप्लीमेंट कहां होंगे स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज में इसका मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री कितना भी अच्छा प्लान बना ले या प्लानिंग कमीशन कितना भी अच्छा प्लान बना ले इंप्लीमेंट तो स्टेट्स ही करेंगे टेरेटरीज ही करेंगी स्टेट लेवल पर्सनल ही करेंगे तो प्लानिंग कमीशन में तो स्टेट्स का कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू हम स्टेट्स को कॉपरेटिव फेडरलिज्म या कॉपरेशन ऑफ फेडरल यूनिट्स इंश्योर करवा सकते हैं पहली बात दूसरा बेसिकली फायदा होगा पर्पज होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्टेब्लिश करने का कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है जनरली स्टार्ट कहां से हुई 1928 में जब सोवियत यूनियन ने अपनी नेशनल प्लानिंग को रोल आउट किया फर्स्ट फाइव ईयर प्लानिंग को रोल आउट किया तो सेंट्रलाइज सिस्टम है स्टार्ट बेसिकली हुआ एक सोशलिस्ट कंट्री से सोवियत यूनियन लेकिन इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है डिसेंट्रलाइज कंट्री है तो इसका मतलब कि सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच कि दिल्ली ने जो कह दिया सबके लिए पत्थर की लकीर हो गई दूसरे स्टेक होल्डर्स का फीडबैक इनवाइट किए बिना यह इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है यह चल नहीं पाएगा इस वजह से इंडिया की जो प्लानिंग है बहुत सारे लोग उसको ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं कि एक तरफ तो हमें सेंट्रलाइज प्लानिंग करनी है लेकिन दूसरी तरफ स्टेट्स का फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है उनकी लिबर्टी भी इंपॉर्टेंट है उनका व्यू भी इंपॉर्टेंट है कैसे इन दोनों चीजों को बैलेंस किया जाए कभी हैविली सेंट्रलाइज हो जाए कभी डिसेंट्रलाइज हो जाए फिर हैविली सेंट्रलाइज हो जाए फिर थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया जाए तो इकोनॉमिक प्लानिंग की प्रोसेस एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज तरीके से कैसे स्टेब्लिश की जा सके उसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे इसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है जिसमें फेडरल रिजिडिटीज हैं कि यूनियन को चाहते हुए भी या अनएक्सप्लिसिट तरीके से ज्यादा पावर्स दी गई हैं एक यूनिफाइड लुक के लिए तो किस तरीके से एनडीसी के थ्रू हम एक पर्पस अचीव कर पाएंगे जो ऑटोनॉमस और रेजिड फेडरल हैं यूनियन ऑफ इंडिया की उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का दोस्तों एनडीसी में शुरुआत में अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके डिफेक्टो चेयरमैन रहे चीफ मिनिस्टर थे जो सारे स्टेट्स और मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग को रिप्लेस नीति आयोग जिसको रिप्लेस कर चुका है टू थाउजेंड फिफ्टीन में ये सभी बेसिकली इसके कंप्राइजिंग की प्लेयर्स रहे जो पहली मीटिंग हुई एनडीसी की ये हुई एटथ और नाइन्थ नवंबर जिसमें श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि एनडीसी इज एसेंशियली ए फोरम फॉर इंटीमेट कॉपरेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑल द टास्क ऑफ नेशनल डेवलपमेंट स्टेट और सेंटर एक साथ आएंगे नेशनल डेवलपमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क है उनको रिव्यू करेंगे उनपे एक यूनिफाइड व्यू स्टैब करेंगे नेहरू जी की बात देख लें तो उन्होंने कहा कि एनडीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट स्टेप है जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में स्टेट के बीच में या अलग अलग स्टेट्स के बीच में और एक कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी पे अराइव करने के डायरेक्शन में है फिर जो रेकमेंडेशन रही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन उसके हिसाब से एनडीसी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया इसके फंक्शंस को रीडिफाइन किया गया सेवेंथ अक्टूबर 1967 के कैबिनेट रेजोल्यूशन से जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड एनडीसी रही इसमें अब देखिए प्राइम मिनिस्टर और जितने भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे उसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स सारे स्टेट्स के यूनियन टेरिटरीज के और मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन अब इसके मेंबर होने लगे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर और बाकी यूटीज को कौन रिप्रेजेंट करेगा उनके रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर्स बाकी जो यूनियन मिनिस्टर्स रहे स्टेट मिनिस्टर्स रहे उनको भी 1967 के इस अमेंडमेंट रेजोल्यूशन के बाद इनवाइट किया जा सकता था कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के डेलिवरेशन या डिस्कशन या मीटिंग्स में आप पार्टिसिपेट करें अच्छा जो ये 1967 के बाद इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया एनडीसी या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका सेक्रेटेरिएट कहा रहा है? तो जो सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन होगा वही एक्ट करेगा सेक्रेटरी टू एनडीसी इसका मतलब क्लियरली प्लानिंग कमीशन का एनडीसी में भी बहुत मेजर रोल देखा गया और प्लानिंग कमीशन से एक्सपेक्टेड था कि वही सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या एनडीसी को वर्क करने के लिए जो भी असिस्टेंस चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवाएगा प्लानिंग कमीशन तो कई लोगों ने यह कहा कि एक्चुअल बेसिक नेचर आप देख लें ओरिजिन देख लें लीगल स्टेटस देख लें तो एनडीसी और प्लानिंग कमीशन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती तो इस तरीके से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्टैब्लिश किया गया और लगातार अपने फंक्शन को कैरी आउट करता रहा अगर हम 2002 तक की बात देखें तो जो डेवलपमेंट प्लानिंग है इसमें काफी हद तक फेडरल मेचोरिटी आ गई क्योंकि जैसे जैसे प्लान करते गए पूरे प्रोसेस से उसके इंप्लीमेंटेशन से उसकी इफेक्टिवनेस से इंडिया ने बहुत कुछ सीखा और अगर आप लास्ट थ्री फाइव ईयर प्लान देख लें टेंथ प्लान इलेवेंथ प्लान और ट्वेल्थ प्लान इसमें एनडीसी के जो कंसेंशल सपोर्ट था सबने सपोर्ट किया उसकी सहमति से इन प्लान को अडॉप्ट किया गया इंप्लीमेंट करवाया गया अच्छा एनडीसी की लास्ट मीटिंग कब हुई होगी फिफ्टी मीटिंग डिसंबर 2012 उसके बाद से जब से जनवरी 2015 से नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एनडीसी को कोई वर्क असाइन नहीं किया गया है तो अब लोगों का यह मानना है कि हो सकता है आने वाले टाइम में या तो एनडीसी को अबॉलिश कर दिया जाए या फिर नीति आयोग में ही मर्ज कर दिया जाए अब अगर हम देख लें एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नीति आयोग की जो गवर्नर काउंसिल है इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? अगर आप कॉम्पोजिशन लेवल पर देख लें तो एनडीसी और जो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल है सिर्फ एक ही दोनों में डिफरेंस है इसका मतलब वो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स नहीं है वहीं जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर हुआ करते थे वो ऑटोमेटिकली एनडीसी के मेंबर हुआ करते थे तो उम्मीद यही है दोस्तों जो फंक्शन एनडीसी ने इतने सालों तक निभाया 1952 में स्टेब्लिश होने के बाद हो सकता है अब उसको नीति आयोग को दे दिया जाए क्या यह भी हो सकता है आने वाले टाइम में कॉपरेटिव फेडरलिज्म कहाँ पे हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सारे सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर्स एक साथ आके इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे रिव्यू कर सके फोकस कर सके कंसेंसस ऑप्टेन कर सके उसके लिए हो सकता है एनडीसी को फिर से रिवाइज भी कर दिया जाए Only time will tell. मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा लेक्चर ऑन प्लानिंग इन इंडिया आपको पसंद आया होगा लेक्चर नंबर सिक्स इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब एक एक फाइव ईयर प्लान और फाइव ईयर प्लान के अलावा भी जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लान थे क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे क्या सक्सेस रहा क्या गैप्स रहे क्या कमियां रही क्या रिकमेंडेशन हैं इसके बारे में लेक्चर नंबर सिक्स में आपसे डिटेल में बात करेंगे अंटिल देन स्टे ट्यून्ड जय हिंद जय भारत